हमारे नेता हैं इकबाल अंसारी साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्याल रखें। आज के इस मीटिंग के सदर जनाब पी ए नमदार साहब, हुसैन दलवाई साहब, सालार साहब और यूसुफ अब्राहनी साहब यहाँ पर बैठे हैं, सारी मौजूदीन आज बहुत ही अहम मसले के लिए यहाँ पर जो मीटिंग हुसैन भाई ने सजाई है उसके लिए सबसे पहले मैं उनका मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज मुस्लिम रिजर्वेशन इस उनवान पर उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है, तो ये मुद्दे पर ही हम यहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग तरीके से अलग अलग तंजीमें मुस्लिम रिजर्वेशन इस नाम के ज़रिए, फिर कृति समिति हो या मोर्चा हो या अलग अलग नाम से, बहुत ही शोर शराबे के साथ इस रिजर्वेशन को फिर से लागू करने के लिए, ये ऑर्डिनेंस फिर से जारी करने के लिए, हुकूमत पे दबाव लाने के लिए काम कर रही है। अपने अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को निकालने के लिए जो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने आया था, हुकूमत के सामने आया था, वो ये था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है या नहीं। तो उसका जवाब संविधान में सिर्फ एक ही था, नहीं। धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो उसमें से क्या रास्ता निकाला जाए, इसमें उस वक्त की सरकार ने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के साथ बात की और जिसमें मुझे बहुत फख्रिया तौर पर यह कहना पड़ता है कि उसमें से जो बेहतरीन रास्ता था वो पी ए इनामदार साहब ने निकाल कर रखा, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने पेश किए, जब भी मैं उनके साथ हर बार उन मीटिंगों में रहा तो वो डिग्गी भर के लाते थे कागजात, जो आज उन्होंने इतने लाए हैं, जब भी मीटिंग में जाते वो कुछ डॉक्यूमेंट के साथ जाते हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं, तो उस वक्त वो डिग्गी भर के थे जो हम लोग ऊपर चढ़ा रहे थे, यह हाल था। तो उसमें ये बात हमने उनको पेश की कि मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, नहीं दिया जा सकता, तो वो लोग जिस तरह उन्होंने लिस्ट सुनाई कि ओबीसी में तकरीबन ओबीसी बीजेएनटी एनटी यानी शेड्यूल कास्ट छोड़कर बाकी सब में मुसलमानों की तकरीबन 65 जमातें इस वक्त मौजूद है और 65 जमातें के लोग दाखिले निकाल रहे हैं और उसके फ़ायदे हासिल कर रहे हैं कम व बेश पैमाने पर जो भी है। तो तकरीबन मुसलमानों के अंदर की जो जमातें हैं उसमें 60 से लेकर 70% तक हमने कवर कर लिया है। ये जमातों की जो तादाद है, मुस्लिमों की महाराष्ट्र में जो तादाद है, उसका 60 से 70% हिस्सा हमने उसमें आ चुका है, समा चुका है। मुझे जिस वक्त बैकवर्ड क्लास कमीशन का, यानी पहला कमीशन जो था बैकवर्ड क्लास का, जिसको खत्री कमीशन के नाम से जाना जाता है, हुकूमत महाराष्ट्र ने और इनामदार साहब के रिकमेंडेशन पर मुझको उसका एक मेंबर बनाया गया था। तो इनामदार साहब की जो टेक्टिक थी, जो उनका गाइडेंस था मुझे, कि किसी मोर्चा निकाले बगैर, कोई कॉन्फ्रेंस लिए बगैर, कोई शोर शराबा किए बगैर, कोई हार पहने बगैर, हमने उसमें 20 से 25 जमातें तकरीबन उसमें शामिल कर लिए। यानी उस जमाने में बहुत ही खामोशी के साथ मुलानी, मुजावर, काकर, मुस्लिम गौली और इस किस्म की 25 जो जमातें रह गई थी वो उसमें शामिल कर ली। उस 4-5 सालों में उसको बाकायदा उसके पूरे प्रक्रिया को पूरा करते हुए कैबिनेट से पास कराकर उसे बाकायदा जीआर निकाला गया और वो 2008 तक तकरीबन सारी जमातें आ गई। यहाँ तक कि बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास इस वक्त 2 ही मुसलमानों की जमातों के एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हुए जो किस टेक्निकल अड़चन की वजह से, यानी तकरीबन कोई जमात ऐसी रही ही नहीं जो उसमें दाखिल न की जा सके, यानी जो उसकी प्रक्रिया में न बैठ सके। अब उसके सामने ये बात आई कि जो बाकी के जो बचे हुए लोग हैं 30% है, या आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुखालता करते हुए 40% कह दीजिए, तो ऐसे लोग जो इन निकष में नहीं बैठते, यानी जो निकष बैकवर्ड क्लास कमीशन का है, जो पॉइंट्स है उसके अंदर जो लोग नहीं बैठ सकते, जो 16 पॉइंट्स का उसका है कि वो क्या क्या होना चाहिए उसमें बैठने के लिए, उसके घर से स्कूल कितने दूर है, उसमें कितने लोग सरकारी नौकरियों में है, कितने लोग इंडस्ट्रीज में, कितने लोग सरकार में है, इस किस्म में जो निकष है। तो उस वक्त हमारे सामने मराठा समाज का भी प्रपोजल आया था, तो वो मराठा समाज ने बहुत ही प्रेशराइज किया हमको किसी तरह इसको पास किया जाए। तो हमारे जस्टिस श्री कृष्ण खत्री उसके चेयरमैन थे,
उन्होंने उनके सामने ये निकष रखे कि ये निकष है, अगर इस निकष में आप कम से कम 16 नहीं तो 9 में भी अगर बैठ सकते, एक पॉइंट भी अगर ज्यादा है आपका, तो हम उस पर साइन कर देते हैं, आज पर हम पास कर देते हैं, ये आप ले जाइए। उन्होंने उस पर काफी स्टडी की, बार बार अलग अलग जगह जयपुर में हमारे मीटिंग होते थे अलग अलग शहरों में, वहां पर वो आते थे और वो नहीं ला सके, उसको उस निकष में बैठ नहीं सके, वो खुद भी बिठा नहीं सके, इसलिए यूनानिमसली उस कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद के कमीशन ने फिर रिपीट किया गया, बापट कमीशन वगैरह वगैरह, लेकिन उन सारे कमीशनों ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है हमारा, वो मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं, बल्कि मुस्लिमों के अंदर जो बैकवर्ड इसमें नहीं बैठ सकते, ओबीसी में, एवीजीएनटी में, एनटी में, इस निकष में नहीं बैठ सकते, उनके लिए कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो अलग अलग जमातें हैं जो आडनाम के नाम से जानी जाती है, सरनेम से जानी जाती है, जैसे शेख है, सैयद है, खान है, पठान है, मिर्जा है, बेग है, ये अलग अलग जमातें हैं जो आडनाम की जमातें हैं, इनाम हाँ बहुत सारे, इन 50 जमातों का उसमें मुकदम है, इस किस्म के 50 जमातें जो है उसमें है, और ये जमातें है, इसका क्या प्रूफ है? शेख ये जमात है, ये सैयद एक जमात है, खान एक जमात, इसका क्या रोल है? तो सर में तो ब्रिटिशों ने एक बहुत अच्छा काम करके गया कि ब्रिटिशों ने इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सर्वे कराए थे जो 1922 में कंप्लीट हुए, 1922 में वो सर्वे सब कंप्लीट हुए कि एक एक ज़िला उन्होंने लिया कि ये ज़िले में नदियाँ कितनी है, खेत कैसे हैं, या रहने मांग गए, उसमें से एक है चैप्टर उसमें पीपल्स, और उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे थे, तो फिर उसमें उसने शेख कौन, तो उस जमाने में शेख नाम की कम्युनिटी थी, उस जमाने में सैयद नाम की, वो कम्युनिटी के नाम लिखे हुए, शेख कौन, उसका रहना सहना कैसा, वो दाढ़ी रखता है कि नहीं, उसकी कद काठी कैसी, उसकी औरतें पर्दा करती है कि नहीं, वो लुंगी पहनता है कि नहीं, उसका खाना कैसा है, पूरा सर्वे रिपोर्ट उसमें मौजूद है, फिर खान का सर्वे रिपोर्ट मौजूद है, सैयद का मौजूद है, मिर्जा का मौजूद है, इस किस्म की मुख्तलिफ जमातों का उसमें पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले का, उसको डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स कहते हैं, वो मौजूद है, और उसमें ये सबको जमातें बताई गई है, और उस जमातों के ऊपर उनके सारे सिस्टम का उसमें जिक्र है, तो ये बताया गया कि ये जमातें हैं वो, और ये जमातें इस निकष में नहीं बैठती, इसलिए उसको स्पेशल बैकवर्ड क्लास, एक अलग से वर्ग निर्माण करके उसको दी गई, और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के, इस किस्म के जजमेंट्स अलग अलग जमातों के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में हुए हैं हिंदुस्तान के, तकरीबन 50 के करीब केसेस अलग अलग जगह पे चले, अलग अलग मुद्दे पे चले, और उस पर जो जजमेंट हुए थे वो इनामदार साहब ने पूरे हिंदुस्तान के जमा किए थे, और वो जजमेंट जब रखे उनके सामने, उस वक्त के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे प्रेम कुमार मीना, तो उन्होंने, और उस वक्त के हाईकोर्ट के पीपी वगैरह सब लीगल बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा आपने तो हमारा मसला ही हल कर दिया, अब कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं रही, और इस तरह ये आया, उसमें से भी हमीद दलवाई साहब या वगैरह, हुसैन दलवाई साहब, ये सबका अलग अलग तरह से साथ मिला उस वक्त के जो लोगों का, और वो रिजर्वेशन जो है किसी तरह आया, और उसी वजह से टिका कि उसको लीगल फाइट भी दी गई, और महरड़ों के पास ये नहीं था इससे वो रिजेक्ट हो, अब किसी तरह उनको मिलना चाहिए उसमें, जैसा हुसैन उसके हमको अपोज नहीं है, बल्कि रामनंदा साहब ने उससे बढ़ के कहा कि ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए, उनमें भी अगर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो कुछ परसेंटेज उनको भी मिलना चाहिए, तो ये सबको मिलना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे है कि इस मुल्क में 4% लोग 50% का फायदा उठा रहे हैं, और 96% लोग जो है वो पीछे रह गए हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 50% का ये लगाया कि 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, ऐसे मौके है उसमें, और हम लोग जो तरीके से उसको मांग रहे हैं मुस्लिम रिजर्वेशन, इस नाम की वजह से बड़ी दिक्कत पेश आ रही है, इस किस्म के मेमोरेंडम जा रहे हैं अलग अलग, जो हमारे कोऑर्डिनेशन में नहीं है या लीगल एडवाइस नहीं ले पा रहे हैं, वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जब भी मुख्यमंत्री के पास मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला जाता है तो ये नागपुर सेशन में उसके पास जितने मेमोरेंडम जमा हुए थे, जुलाई का ये है रिपोर्ट जो आप नेट पर भी हासिल कर सकते हैं, उसमें कहा कि वी हैव आस्क्ड
the High Court for an opinion, and the case it is still on, Fernandez said, adding the several ruling and Supreme Court and High Court had debarred government for giving quota to Muslim on the religious ground. ये हाउस में उसने कह दिया कि मुसलमानों को दिया ही नहीं जा सकता, आप क्या मांग रहे हैं? ये हाईकोर्ट के भी रूलिंग है, इसके भी है वगैरह वगैरह, ये उसको बहिष्कृत कर दिया गया है कि रिलीजियस के नाम पर नहीं दिया जा सकता। और जब भी उसको देते हैं वो लीगल एडवाइस को भेज देता है, लीगल एडवाइस से उसको लेटर आ जाता है और वो उसको पोस्ट कर देता है कि भाई रिलीजन के नाम पर नहीं दिया जा सकता। अब इस किस्म का जो मामला हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको इस नाम को किसी तरह, जिस तरह उन्होंने कहा कि हरे झंडे ना निकाले जाए, ये ना निकाले, तो इसका वजह है कि इसको मजहबी कलर देकर अगर आप मांगने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कतें पेश आती है, उसका पोलराइजेशन होता है और उसकी वजह से गलत मैसेज जा रहा है हिंदुओं में। एक तरफ हमारे हरे झंडे को देखकर उनके भगवे झंडे ज़्यादा निकल रहे हैं, हमारे हरे झंडे को देखकर वो एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, उनको तो इसकी ये सारा सिस्टम मालूम नहीं होने की वजह से। तो हम लोगों को इस समाज के अंदर, माइनॉरिटीज के अंदर, के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाए इस किस्म का कोई नाम, चाहे वो लंबा हो, उसको इस्तेमाल करके इसको मांगना चाहिए और तभी हमें इसमें मुख्तलिफ भी कामयाबी मिल सकती। लिहाजा हम ये चाह रहे थे, इनामदार साहब से मेरी इस बारे में बार बार डिस्कशन हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि बगैर शोर शराबे के इसको लीगल फाइट देकर भी लिया जा सकता, लेकिन खैर कुछ लोगों का ये भी तरीका है कि दबाव गढ़ पैदा करना चाहिए, तो दबाव गढ़ को एक सिस्टम के साथ, जैसे अभी इन्होंने कहा हुसैन दरवाई साहब ने कि इसको पूरे महाराष्ट्र में कोई खास लीडरशिप नहीं मिल रही है, सब अपने अपने तौर पे कर रहे हैं, तो कोई लीडरशिप मिलना चाहिए उसको, ताकि महाराष्ट्र में एट अ टाइम कई धरने पर बैठ जाए, एट अ टाइम मोर्चे निकले तो एट अ टाइम सारे सिटीज में मोर्चे निकले, या धरने पर बैठना हो तो एट अ टाइम एक शख्स मुंबई से कहीं से आवाज़ देता है तो सब लोग वहाँ पर बैठ जाए, तो उस किस्म का दबाव तैयार हो सकता है। वरना कहीं 500 निकल रहे हैं, कहीं 1000 निकल रहे हैं, कहीं 5000 निकल रहे हैं, उसका वीक मैसेज जा रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप अपनी ताकत नहीं बता पा रहे हैं, आप ताकत बताना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बता पा रहे, उससे जा रहे हैं कि 500 लोगों का गाइड यानी क्रेडिट कैसा देते हैं, या क्योंकि उसमें जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है दिलीप कांबड़े साहब, मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, मेरे पुराने दोस्तों में जब मैं उनसे चर्चा करता हूँ तो बोलते हैं यहाँ कशा क्रेडिट देते, 500 लोग घेन आए यहाँ क्रेडिट दिएगा, मग आम्मी ठरू कु क्रेडिट दिए, जब दयाचा जर अल तरी आम्मी ठरूंगे, यानी वो तुम्हें ताकत को गिन नहीं रहे। तो इन हालात में हुसैन दलवाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमान अपने हाथ में लीजिए, पूरे महाराष्ट्र में कमान जब तक आप हाथ में नहीं लेंगे, आप में वो ताकत है। और इनामदार साहब जो है आपके साथ खड़े रहेंगे उस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर, इब्राहिम अपना हमारे यूसुफ अब्राहनी साहब, ऐसे लोग सब आपके साथ खड़े रहेंगे ताकि इसको चैनलाइज किया जा सके, वरना पोर शो हो रहा है, उसका जो मैसेज जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, लोग अपने अपने तरीके बगैर स्टडी के कुछ भी बोल रहे हैं। मैं उसमें बहुत बोल सकता हूँ लेकिन टाइम कम होने का, क्योंकि मैं उसमें मुख्तलिफ जस्टिस के साथ काम किया हूँ, मुख्तलिफ कमीशन में काम किया हूँ, सच्चर कमीशन ने भी इनामदार साहब ने नाम पेश किया था, इसलिए सेशन में बुलाया था, उस सेशन में मैं अकेला आदमी था उस वक्त, यानी आपको ये एक अलग बात आपको बताना चाहता हूँ कि OBC में जो लोग आते हैं उसके खिलाफ है, नहीं बाकी के लोगों को नहीं मिलना चाहिए, वो बिल्कुल खिलाफ है। उस वक्त जितने इंडिया से जितने लोग आए थे, महाराष्ट्र से मैं गया था और एक शख्स और था वहाँ पर जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबने अपोज किया है इसको सच्चर कमीशन के सामने कि बाकी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, OBC को जो मिला खत्म, आप नेट पे देख सकते हैं। ओनली मैं था वहां पर जिसने पूरी ताकत के साथ ये कहा कि नहीं, बाकी के बच्चे मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये सच्चर कमीशन में लिखा हुआ है और वो इनामदार साहब के डायरेक्शन में उन्होंने कहा मुझे कि तुम यही बात वहां पर रखना, और मैंने वो रखा। और आप जानते हैं कि सब बुरा वहां पर, कोई हिंदू चिड़ा नहीं मुझ पर, जितने मुस्लिम आए थे सब उस पर चिढ़ गए, यानी आपको मैं बताऊँ मैं बाथरूम में गया तो बाथरूम में भी आके चिल्ला रहे थे कि तुम अपने अल्फाज वापस लो, बाथरूम में आकर भी चिल्लाने लगे आप ये क्या कर रहे हो, तुम खान लोगों का साथ दे रहे हो, तुम सैयद लोगों का साथ दे रहे हो, तुम मिर्जा लोगों का साथ दे रहे हो। तो मुझे मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र में ये बात नहीं है लेकिन UP, बिहार,
और इस इलाके में बहुत बड़ा अंसारियों में, कसाईयों में, हजामों में बहुत बड़ा तफरुका है। तो वहाँ पर तो मैंने देखा कि हजाम निकाह पढ़ा रहा था एक मौलवी साहब जो हजाम कम्युनिटी से थे, तो खान साहब ने उठा दिए, तू मेरी बेटी का निकाह पढ़ाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे को लाओ। तो ये हकीकत है। तो इस अपोज को भी कुछ लोग, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि हम वो हमारे अपोज हमारे खाने में नहीं आ रहे, हमारे थाली का खाना नहीं ले रहे हैं। बिहार की अभी उसकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास है, ये वक्त नहीं है, ऐसी बहुत सारी, एक नहीं ऐसी नहीं, ये हिस्ट्री है जो मेरे सामने भी हुआ है, मेरे सामने, खैर बात मेरे सामने हुआ है, इसके अलावा और हुआ है। मैं नाम के साथ एड्रेस के साथ दे सकता हूँ, मैं नाम और एड्रेस के साथ दे सकता हूँ, एक नहीं 10 दे सकता हूँ। तो वो उसकी पूरी स्टडी में उसमें वाकत है, किताबी लिख रहा हूँ आपको उसमें, तो उसमें पूरा मेरा का वर्क चालू है और पूरी किताबी लिख रहा हूँ। तो वो किताब पे आप ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं और फिर टाइम एड्रेस फोन नंबर के साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मेरी बात इन्होंने भुला दी, कि इसको एक सेंट्रलाइज ताकत महाराष्ट्र भर में खड़ी होना बहुत ज़रूरी है, वरना पोअर शो हो रहा है। इन हालात में हमको इनामदार साहब जैसे साहिब हैसियत है वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, बाकी के लोग नहीं कर सकते। कुछ कुदरत ने कुछ लोगों को ये ताकत दी है, बहुत नॉलेज दिया है, तो इन लोगों को आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए, वरना शायद आने वाली नस्लें हमको इस रेस में हम नहीं खड़े गए। नंदासरी कैंपस में जो कुछ कर रहे हैं वो तो एक अजूबा है, वो अजूबा सिर्फ पुणे तक रहेगी कुछ मतलब नहीं। क्योंकि एक, मैं अभी इस बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि एक नुक्ता तस्वीर कोई तस्वीर नहीं, एक हल्का जंजीर कोई जंजीर नहीं, एक नुक्ता तस्वीर कोई तस्वीर नहीं, एक हल्का जंजीर कोई जंजीर नहीं। तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की तकदीर कोई तकदीर नहीं। तो एक कैंपस एक मिसाल हो सकती है, लेकिन पूरी कौम की तकदीर नहीं हो सकती। तो ये अजूबा हर शहर में, हर गांव में जब तक नहीं होगा, और जब तक इनामदार साहब जैसे लोग और हुसैन दलवाई साहब जैसे लोग इसमें लीड नहीं लेंगे, उस वक्त तक ये अजूबा होना मुमकिन नहीं है। ये कहते हुए मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। अच्छा लगे तो ये मेरे तकरीर का कमाल नहीं, खुलूस बोल रहा था मेरा, मैं कहाँ बोला। शुक्रिया इकबाल अंसारी साहब।